हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती मांडला। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन की हिस्ट्री की सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भगवद गीता, ऑप्शन बी विष्णु संहिता, ऑप्शन सी मत्स्य पुराण, ऑप्शन डी अष्टाध्याय। उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विष्णु संहिता। चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में भागवत धर्म के उपासक क्या कहलाते थे? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नैनार, ऑप्शन बी अलवार, ऑप्शन सी वैष्णव, ऑप्शन डी शैव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अलवार। दक्षिण भारत में भागवत धर्म के उपासक अलवार कहलाते थे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भागवत धर्म के अनुसार विष्णु के तीन अवतारों में से कौन सा अवतार शामिल नहीं है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुरुष अवतार, ऑप्शन बी गुण अवतार, ऑप्शन सी लीला अवतार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भागवत धर्म के अनुसार विष्णु के तीन अवतारों में से कौन सा अवतार शामिल नहीं था? तो ये तीन अवतार जो थे वो विष्णु के अवतारों में शामिल थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण किस संप्रदाय से हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वृष्णि, ऑप्शन बी शाक्य, ऑप्शन सी यदु, ऑप्शन डी विष्णु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वृष्णि। भागवत संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण वृष्णि संप्रदाय से थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु के अवतारों में कौन सा अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कूर्म अवतार, ऑप्शन बी बाराह अवतार, ऑप्शन सी नरसिंह अवतार, ऑप्शन डी वामन अवतार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बाराह अवतार। विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय अवतार जो था वो वाराह अवतार था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक लेखों में डायनोसिस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी दुर्गा, ऑप्शन डी रुद्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शिव। ग्रीक लेखों में डायनोसिस शब्द का प्रयोग शिव के लिए आया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म के महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर किस श्रेणी का है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंचायतन श्रेणी, ऑप्शन बी षडानन श्रेणी, ऑप्शन सी चतुर्भुजी श्रेणी, ऑप्शन डी अष्टभुजीय श्रेणी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पंचायतन श्रेणी। वैष्णव धर्म के महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर है, ये पंचायतन श्रेणी का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु के वामन अवतार का उल्लेख किस लेख में हुआ है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भित्री लेख, ऑप्शन बी जूनागढ़ लेख, ऑप्शन सी प्रयाग प्रशस्ति लेख, ऑप्शन डी कालसी लेख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जूनागढ़ अभिलेख। विष्णु के वामन अवतार का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के किस शासक के शासनकाल में भूमरा और नचना कुठार में शिव एवं पार्वती के मंदिरों का निर्माण हुआ है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कुमारगुप्त। गुप्त काल के शासक कुमारगुप्त के शासनकाल में भूमरा और नचना कुठार में शिव एवं पार्वती के मंदिरों का निर्माण हुआ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का उल्लेख मिलता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिल्पादिकरम, ऑप्शन बी मणिमेखले, ऑप्शन सी मालती माधव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शिल्पादिकरम। शिल्पादिकरम में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का उल्लेख मिलता है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा पिछले कल का क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आपके लिए था, पहलव शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी मिथेडस प्रथम। पहलव शक्ति का वास्तविक संस्थापक मिथेडस प्रथम था। नेक्स्ट है आपके लिए आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, जो है, एक मानवीय नायक के रूप में वासुदेव का सबसे प्राचीन उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।